तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपने एम टेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आज आपका रिजल्ट आ चुका है, यानी आज आपकी फर्स्ट लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप यहाँ पर कोर्स नेम देख सकते हैं, एम टेक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 14 तारीख से 15 तारीख के बीच में सभी फॉर्मेलिटीज़ को आपको पूरा करना होगा। इन द ऑफिस ऑफ द हेड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि नेक्स्ट लिस्ट कब आने वाली है। दोस्तों, आपकी जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी वो आपकी 21 तारीख तक आएगी, आपका एक या दो दिन लेट भी हो सकता है। आइए बात करते हैं कट ऑफ की, आपका कट ऑफ कितना गया है। जनरल का यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 45.75, मुस्लिम 44, मुस्लिम ओबीसी एसटी 39.25, मुस्लिम वीमेन 36.50, पीडब्ल्यूडी पीडी डिसेबिलिटी 27.25, जेके यानी जम्मू कश्मीर 40.25। आइए बात करते हैं लिस्ट की, आप यहाँ पर अपनी लिस्ट देख सकते हैं। आइए बात करते हैं लिस्ट की, आप यहाँ पर अपनी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर जनरल के आप रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं लिस्ट की, आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।